इसमें कितने तो रूम हैं इसमें? इसमें 40 रूम हैं, कम से कम 5 हॉस्टल से 5 बड़े रूम हैं। मेरा कहना ये है कि सभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं? 40 ग्राउंड फ्लोर पे हैं और हॉल टॉप फ्लोर पे। ठीक है, और इसमें पलंग है क्या? पलंग बेड 200 बने हुए हैं। हमारा पूरा मुल्क कोरोना वायरस के चपेट में है और इस वक्त हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है मानवता की सेवा के लिए हम कुछ इकदाम करें। हम इस आपदा की घड़ी में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और हम अपने मदरसे को, अपने मदरसे के तमाम कमरों को, जो तकरीबन यहाँ पर 40 कमरे हैं, 200-250 बेड लगे हुए हैं, 4-5 हॉल हैं, पूरा कैंपस है, तकरीबन 2 बीघा में ये कैंपस बना हुआ है। ये पूरा का पूरा कैंपस हम मानवता की सेवा के लिए प्रशासन को सुपुर्द कर रहे हैं और प्रशासन से ये विनती करेंगे कि आप इस आपदा की घड़ी में इन इमारतों से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ़ायदा उठाएं। लोग चिकित्सा विभाग को आइसोलेशन के लिए देना चाह रहे हैं और चिकित्सा विभाग क्योंकि प्रशासन के अधीन है, इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को पहले प्रशासन के हैंडओवर करेंगे, फिर प्रशासन जिस तरह भी मुनासिब समझेंगे वो इन इमारतों का और इस कैंपस का वो इस्तेमाल करेंगे जन सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। और अगर हम उनके किसी काम आ सकते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं कोरोना को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने नेक पहल की है। टोंक के अल अमीन मदरसा संयोजक आमिर सिद्दीकी ने वार्ड नंबर 1 में बने मरकज अल अमीन कैंपस को आइसोलेशन वार्ड के लिए दे दिया है। उन्होंने सीएमएचओ नवींद्र पाठक से मुलाकात कर इस बारे में जानकारी ली है और साथ ही बताया कि 2 बीघा कैंपस में 40 कमरे और 200 बेड तैयार है। इस मुलाकात के दौरान एक्शन एंड जिला समन्वयक जहीर आलम, कैंपस के मीडिया प्रभारी सैयद असगर अली, अलामीन के आतिफ सिद्दीकी, अफजल हुसैन, जफर खान, अजमल खान भी मौजूद रहे। और इधर मरकज सेक्रेटरी तबस्सुम परवीन ने कहा कि वे इस मुश्किल वक्त में हर संभव मदद को तैयार हैं।